एक संत पुरुष से हमारी मुलाकात हो गई है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसी महान आत्मा जिसने करके दिखा दिया, कहा नहीं है यह, कहीं यह नहीं है कि हमारा समाचार पत्र में छप जाए, लोग जाने, उम्र तो काफी हो गई है। और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जिसने युद्ध किया है, ऐसे हम सैनिक के साथ हैं। हम दिखाते हैं जो कृतियां, एक बार आप ऐसे ही हम रास्ता चलते देख लिए, आप एक बार यहाँ से देखिए, फिर आपसे बात भी करेंगे। यहाँ देखिए, आम फले हुए हैं, जामुन है, कटहल है, और क्या क्या इसमें है, बहुत सी चीज़ें हैं, सब्जी है और आम्रपाली है। आप धन्य हैं प्रभु, मैं तो आपको नहीं जानता था, लेकिन शुभ नाम अपना बताइए आप। मेरा नाम राम नगीना सिंह। राम नगीना सिंह जी, कब आप सेना में भर्ती हुए थे सर? मैं 1963 में भर्ती हुआ। 63 में जी। और फिर उसके बाद युद्ध में भी शामिल हुए? 1965 का पहला युद्ध हुआ जी। पहला युद्ध तो 1948 में हुआ था पाकिस्तान से जी, लेकिन वो छोटा था। ये 65 का भयंकर युद्ध हुआ। तो जन्म आपका किस सन में हुआ था सर? 1945 में। 1945 में जन्म हुआ। उसके 3 साल बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ आपके जन्म के बाद। अरे इसमें हमारे गांव में, मेरे को याद है, मैं भी पहना मलेशिया शर्ट मिलती थी जी, और यहाँ तक निकल। हाँ, वो आदमी को यूनाइटेड करना था, इकट्ठा हो जी, 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 जी। जोश भरना था देश के प्रति अपना जोश। तो सर उम्र आपकी कितनी हो गई इस समय? अभी तो मेरा 76 पूरा। 76 साल, 100 साल कोई हिलाएगा नहीं। इसको चलाते हैं सर, फावड़ा? फावड़ा चलाते हैं? चलाते हैं जरूर, चलाते हैं, फावड़ा, खुरपी। अच्छा, किस पद से आप सेवानिवृत्त हुए थे? मैं सूबेदार से हुआ। सूबेदार से, सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए, और यह बागवानी इसी में रह जाते हैं सर, कुछ करते रहते हैं हमेशा। बस अभी जाऊंगा घर पर खाना खा। सर देखिए, हम आज आपसे जो मुलाकात हुई है ना, सच बता रहा हूँ बाई गार्ड, आज मुझे लग रहा है कि चारों धाम की यात्रा हमने किया, जिसने करके दिखा दिया। दोस्तों ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़ा बड़ा भाषण देंगे, लेकिन एक बिरवा लगा करके दिखाए, उसे बड़ा कर दें। हम तो ऐसे ही लोगों को खोजने निकले हैं, ऐसे ही लोगों को विप्र फिरे हम खोजते ही। हाँ। आपन कथा कहा में गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, को तुम श्यामल गौर शरीरा। तो हे प्रभु आप, मैं तो रास्ता चलते जा रहा था, जरूर मोटरसाइकिल वापस करके हम आए हैं कि एक संत पुरुष से। दोस्तों मैं गंगादास बाबा के आश्रम पर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या मिलेगा आश्रम में, लेकिन जिसे मैं खोज रहा था, जिसे मुझे ऊर्जा मिलेगी, वह लोग मिल गए हैं। बस आटा है, चारपाई अब खत्म हो गई लोगों के घर, मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा ही नहीं, लोहे वाली वो मिलती है, मिलती है। जी 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 जी। तो आपके लड़के लोग क्या करते हैं सर? लड़के ये फौज में सूबेदार हैं। अच्छा, फौज में सूबेदार हैं जी। कहाँ इस समय तैनात हैं? इस समय भटिंडा में। चलिए, आपके बच्चे को भी सैल्यूट, और सेना में है एक बच्चे और हैं आपके, एक इंजीनियर हैं। तो लोग नहीं कहते हैं कि पापा ये सब क्या करते हैं, दिन भर आराम करें? हाँ, वो लोग तो, मैं एक भैंस रखा था, बहुत बढ़िया भैंस थी, 15 किलो दूध, बेच दिए। अच्छा, बूढ़े हो गए हैं। हाँ, अब अपनी आदत छोड़ेंगे नहीं, काम करते ही रहेंगे। तो बोले कि नहीं, दूध आप लिया करिए, छोड़ दो, भगवान ही ठीक है। ये उन्हीं लोग, आइए सेना के जवान को सैल्यूट करते हुए दिखाते हैं। यह देखिए, यह फल आप देख रहे हैं आम का, बड़े बड़े फल हैं। ये कौन सा है सर? ये लंगड़ा है। लंगड़ा है, चलिए लंगड़ा के बाद हम और आगे बढ़ते हैं सर। आइए, यह सब आम्रपाली है सर कि क्या है? ये आम्रपाली है, एक वो आम्रपाली। अच्छा, दो आम्रपाली है, उधर भी आम है, ये भी लंगड़ा है। आइए सर, थोड़ा बढ़ा जाए, और उसके पहले देखिए, इनकार मत करिएगा आप, आप इनकार मत करिएगा सर। सर आपका जहाँ बाबा, आप इनकार मत करिएगा सर, कुछ नहीं, आप इनकार। सर आप महान हैं, रियली 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 सर, आपका आशीर्वाद सर, रियली 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 सर, आप महान हैं, आपने करके दिखाया है। दोस्तों यह बात भीतर से मैं कह रहा हूँ, हो सकता है नौटंकी 50% नौटंकी हो, 50% सत्यता है, लेकिन यहाँ मैं 100% योगदान की बात कर रहा हूँ। आइए हम कुछ और आपको दिखाते हैं। आइए सर, आगे बढ़ जाइए आप, हमारे सम्मानित जो कैमरामैन हैं उनसे आगे बढ़ करके दिखाने की बात कर रहा हूँ। यह सर कटहल है, कटहल, कटहल है ना जी? हाँ, एक बालेश्वर थे, वह गाते थे कि कटहल के कुआ तू कई बात मोटका मुंगरवा, का हुई का हुई ये भैया का हुई, गीतकार थे वो। तो कटहल, कटहल है। इधर इधर सर, यह कौन सा आम है? ये आम। हाँ,
ये जो साम्रपाली का ही वैरायटी है लेकिन बड़ा बड़ा। अच्छा अच्छा, तो जामुन, जामुन यहाँ जामुन है, और एक बार जामुन को दिखाते हैं सर। आ जाइए सर, आइए। देखिए सब्जियाँ, सब्जियाँ उगाया है, जामुन है, जामुन। जामुन में इस बार फल नहीं लगा है, अगले साल तक लगेगा। यह अभी जामुन है, लगा था तो। अच्छा अच्छा, लगा था। कोई आएगा मैं इनकार नहीं करता, खाओ। वाह 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 वाह, क्या नहीं लग रहा है कि ऐसे करने की जरूरत है? कहने वाले की, कहने वालों की संख्या तो बहुत है। करके दिखा दिया है, करके दिखा दिया। हो सकता है हमारा नाम आप कभी सुने रहे हो। बहुत जानता हूँ आपका नाम, हजारों बार सुना हूँ, लेकिन लेकिन मुलाकात हमारी पहली बार हो रही है। आइए मैं यहाँ भी दिखाता हूँ। देखिए इधर आइए सर, आइए। इसमें भी आम कुछ लगे हुए हैं क्या सर? आइए आइए भीतर से दिखाते हैं। अरे वाह वाह, यह कौन सा है सर? ये भी लग रहा है। इधर इधर रुक करिए सर एक बार। आप पता नहीं, एक एक गीत है दोस्तों, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इतना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं, जी करे देखता रहूं। प्रभु की कृपा है, विशाल आपका ऊंचा है। जी करे ऊंचा दिखाई, जी करे देखता रहूं। कैसे मन में आया सर कि इसको करना चाहिए? एक तमन्ना थी, हाँ, कुछ करूं इस जो कुछ बैठे बैठे बुढ़ापा में, मैंने बड़ा बागवानी करें, चिड़िया खाएगी, आदमी खाएंगे, बच्चे खाएंगे। एक गंगादास बाबा हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे बच्चों से। अच्छा, सबसे पहले बच्चों को भोजन मिलता था। बोले कि ये प्रभु का असली रूप जो है बच्चे में रहता है। भगवान श्री राम जो हैं बाल्यावस्था को मोछ लड़िए जीने कहीं कहीं, और राज के पता नहीं 7,500 वर्ष कितना, कृष्ण भगवान के 125 वर्ष। कहा है कि तमन्ना थी, मिलने की तमन्ना है, प्यार का, प्यार का इरादा है। मेरा सुकर्म आपसे मुलाकात हुई, आप धन्यवाद, आपका दर्शन हुआ, ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है सर? सर सर भगवान, देखिए 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 दोस्तों, कितनी जमीन है सर यहाँ? 11 बीसवा में है बागवानी। यह जीवंतता का राज है दोस्तों। जिसने पक्षियों की चहचहाट इसमें नहीं सुना, जिसने नहीं जाना कि पत्तों पत्तों में जो हलचल हो रही है, प्रकृति का वास इसमें है, जिसने पीपल को ऑक्सीजन नहीं जाना, जिसने बेल नहीं जाना, जिसने जामुन और आम नहीं जाना, अब तो सब खत्म हो गए। सर आप जब बच्चे थे तो बहुत बगीचा था गाँव में ना? बहुत बड़ा बगीचा था, मेरा खुद 12 बीघे का बगीचा, 12 बीघे का बगीचा, लेकिन देसी आम थे, इतना बड़ा से ज़्यादा नहीं। जी अभी तो नया है आम। तो सेवानिवृत्त कब हुए सर? मैं 16 साल करीब 90 में हुआ। 90 में हुए? अच्छा, सूबेदार से। हाँ, सूबेदार से हो गया मेरे को। जी जितनी सेवा किया उससे ज़्यादा मैं 30 वर्ष से सेवानिवृत्त हुए हैं, और लगातार इसमें लग करके। कई साल का यह है सर जो मेहनत आपने किया? 5-6 साल हुआ। 5-6 साल दोस्तों, इसी में एक झोपड़ा होगा। देखिए झोपड़ा तो उधर है लेकिन पक्का, एक मड़ई थी, एक मड़ई और बनाइए सर, एक मड़ई बना दीजिए। बनाएंगे, एक मड़ई बनाइए। असली आनंद उसी में है, असली आनंद उसी में है। देखिए दोस्तों, हम पीछे भी दिखा देते हैं, आम लगे हुए हैं, इधर आप देख रहे हैं। और हम लगा था मैं नहीं, आप आ गए हो तो तुम भी। अरे कोई बात नहीं सर, अब हमको जो आम की मिठास मिलनी चाहिए खा करके, उससे अधिक मैं महसूस कर रहा हूँ। और देखिए सम्मानित दोस्तों, प्रकृति से हमारा प्रेम रहा है, लगाव रहा है। आ जाइए सर, इधर ही बात करते हैं। तो फावड़ा चलाते हैं तो कुछ थकान उकान तो होती होगी ना? अच्छा, लेकिन ऊर्जा के साथ करते हैं, भीतर की थकान नहीं होती है। हाँ, ये जो बनावटी है यही थक जाती है, यही थकान होती है, मन नहीं थकता कभी। तो सर जो भारत पाक वाला युद्ध था उसका कुछ अनुभव बताइए। अनुभव उस समय ऐसा था, देश में थोड़ा जी एकता बहुत थी जी, लेकिन और साधन की कमी थी हमारे जी जी। आजकल तो न्यूनतम साधन जी जी। उस समय एक बार रात में हम लोग गए और मार्च हुआ तो भाई चलिए, और प्यास लगी, हाँ, पानी ले गए थे टैंक में, छोटा टैंक होता है जी। हम इसमें थे AMC में, आर्मी मेडिकल कोर जी, तो मोबाइल हॉस्पिटल चलता है जी। वो पानी ख़त्म हो गया जी, ज़मीन में नीचे गड्ढा में पानी इकट्ठा था। 22 सितंबर में युद्ध हुआ था जी, 1965 का सितंबर का महीना था जी। उसमें पानी इकट्ठा था, सब लोग पीने, जब सुबह देखे तो उसमें कीड़े लग रहे थे। अच्छा, तो बचाने वाला एक बचाने वाला देश की भावना है हमारे है, मर जाएंगे। अच्छा सर, उस समय तोप था आपके समय में? हाँ, तोप था, तोप था, तो तोप भी आप लोग चलाना सीखे थे हमारे AMC में? अच्छा, उसमें नहीं था जी। हाँ, जी जी जी,
इन्फेंट्री जो लड़ाकू जी सबका अलग अलग चिकित्सीय सेवाओं, एक अमरूद था सर सूख गया है ना, वो लड़का वो काट दिया, वो छोटा बच्चा ही काया था। अच्छा अच्छा आम था वो काट दिया उसने। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं लग जाएगा। हाँ फिर लग जाएगा जी। अच्छा इधर आप जमाए हैं क्या? हाँ, अच्छा यह देखिए दोस्तों नर्सरी इधर है, नर्सरी है, ये वहाँ जमा हुआ है वहाँ। अच्छा तो इसको निकाल करके फिर लगाएंगे, कोई मांग लेता उसको भी दे देंगे। जी जी जी, जी। अच्छा कुछ गीत उत भी आता है सर, कुछ गाने उन्हें कभी तो नहीं आता है। हाँ प्रभु का यही आता है। हाँ जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तीन। दोस्तों ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ, जैसे जातीय को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, सब नहीं पहनता होता हूँ। एक जनेऊ पहनता हूँ तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है कि सांप वाप काट लिया तो उसको तोड़ा और खट से बांधूंगा, हाँ चीरा लगा करके खून चूस करके विष निकाल दूंगा। और भी है उसका, यह है कि चढ़ाने पर शायद पता नहीं क्या क्या है, लेकिन इनमें प्रकृति में मैं परमात्मा का दर्शन करता हूँ। इसमें परमात्मा है ही है जी, प्रकृति जो कोई दूसरा चीज। सर मोबाइल वोबाइल रखते हैं कि ऐसे ही? नहीं मोबाइल रखते हैं, बस कभी साथ नहीं ले जाता। अच्छा साथ नहीं ले जाते हैं, वो एक बुद्धि है। हम किस गांव में हैं लोग जानना? बयपुर, बयपुर देवकली कहा जाता है, देवकली दूसरा है, बयपुर दूसरा है। तो बयपुर में गंगादास बाबा का आश्रम है, एक फकड़ संत हुआ करते थे, फकीर हुआ करते थे, उनका आश्रम है। और आश्रम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आपका पांच सौ फकीर थे। हाँ भूंदरिया बाबा। अच्छा 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 महान तो जी जी। और ठीक सीधे यहाँ जाएंगे जी, यहाँ पर पोहारी बाबा। हाँ वहाँ गए हूँ, वहाँ बनाया हूँ। तो यहाँ पर गंगा नदी जो है उत्तरायण होती है जी, और जहाँ पर उत्तरायण होगी पंडित जी जी, वहाँ पर निवास करते हैं संत लोग। ज्यादातर चलिए संत से मुलाकात तो हमारी हो गई, अरे और हमारी इच्छा पूरी हो गई आपकी विचार है आपके। दोस्तों विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का आदरणीय राम नगीना सिंह जी जो सेना के सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं उनके साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।